घंटे भर की बारिश ने शासन प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। नदी नालों की सफाई ना होने की वजह से बारिश का पानी उनमें नहीं जा रहा है, जैसे सड़कों पर ही पानी का जमाव हो गया है। पानी के जमाव की वजह से कहीं पर लोगों के वाहन फंसे हैं तो कहीं पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। कटनी में बारिश की वजह से वैसे तो हर जगह आम जन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे अधिक समस्या जालपा देवी मोड़ पर हो रही है। यहां पर नाले की सफाई ना होने के कारण पानी सड़क में बह रहा है, जिस वजह से आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। नई पुलिया बनी हुई है तो इसमें बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, आने जाने में सबको समस्या होती है निकलने में, और ना इसमें लाइट है ना इसमें साफ सफाई होती है। बस ये रेलवे में ध्यान नहीं देनी, ना कोई शासन ध्यान दे रहा। और इसमें कल कार भी फंस गई थी 2-3 ठो, तो बहुत ज़्यादा परेशानी, उसमें फैमिली बैठी हुई थी, बच्चे बैठे हुए थे, बताइए इसमें कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा। ये 2 पुलिया बनी हैं जो, जिसमें नई पुलिया जो बना है इनमें हर साल पानी भर जाता है और तादाद से ज़्यादा पानी, क्योंकि सफाई होती नहीं, नाली ऐसे उल्टी बनी है, ठीक है। और कल जो बारिश हुई है उसमें तीन तो 4-व्हीलर डूब गई है और 2 ऑटो 2 रिक्शा, ये हर साल का नियम है इस पुलिया का, ये सफाई होती नहीं है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।